हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोड ट्रिक्स मेड बाय यू मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से पर ट्राई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना अपने को साफ साफ समझ में आ रहा था कि अपने को एक ग्रिड दी हुई है, उसमें कौन कौन से रोज पे या फिर कौन कौन से कॉलम्स पे अपन इटरेट कर सकते हैं और कौन कौन से पे नहीं कर सकते अपने को बताया हुआ है। ठीक है, तो कौन से पे नहीं कर सकते, -1 था। ठीक है, 2 पे अपना फिनिशिंग पॉइंट है, 0 पे अपन कर सकते हो और 1 अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये तो अपने को समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें बात क्या है, इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जहां आप गलती कर रहे होंगे कि ना सारे के सारे पॉइंट्स जहां जहां पे आप चल सकते हो उन सब पे चलना कंपलसरी ही है। जैसे अगर आपने ये वाला एक मेथड लिया, बोला यहाँ से यहाँ पे आने का एक मेथड ये हो सकता है कि यूं पूरा ट्रैवर्स करके, यूं पूरा ट्रैवर्स करके, यूं पूरा ट्रैवर्स करके यूं आना, वो बिल्कुल सही मेथड है। क्योंकि सिंपल सिंपल सी बात है कि आपको सारे के सारे वो पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे जिन पे आप ट्रैवल कर सकते हो। अच्छा, फिर तो ये एक ही होगा, दूसरा क्या होगा, बोला नहीं दूसरा पार्ट ये हो सकता है ना, ये यहाँ से यूं चल के यूं चल लो। ठीक है, हाँ, तो ऐसे अपने को टोटल ढूंढने की टोटल कितने पाथ है। ठीक है, तो जैसे एक पाथ तो यहाँ से निकल गया, एक पाथ यहाँ से निकल गया हो सकता है, एक पाथ यहाँ से निकल जाए, एक पाथ ऊपर से निकल जाए, वाइस वर्सा काफी सारे पाथ हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे पाथ निकालने, एक तो उसके लिए सारे के सारे जितने भी पॉसिबल हैं मूविंग प्लेसेस उन सब में मूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दूसरी बात कि अगर जैसे आप यहाँ पे मूव कर चुके हो एक बार, ठीक है, तो इस पाथ के अंदर दोबारा यहाँ पे आने का तो कोई सेंस नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तो दोबारा यहाँ पे नहीं आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोला या इसको विजिटेड मार्क करना पड़ेगा। अपन नॉर्मली ग्राफ में विजिटेड मार्क करते हैं, विजिटेड मार्क कर लो या कुछ भी मार्क कर लो, बट ऐसा कुछ मार्क कर लो जिससे दोबारा इस पर ना पाए। सही है, कोई दिक्कत, बोला नहीं। बस अगर ये दो पॉइंट्स अपन ने अच्छे से ध्यान में रखे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो देखो समझते हैं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। लेट जस्ट सपोज कि ये जो है ये तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्वेश्चन में क्या मार्क होगा, 1, सॉरी हाँ यहाँ पे क्या मार्क होगा, 1। ठीक है, उसके बाद में 0, जहाँ पे भी 0 मार्क होगा वो कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे आप मूव कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, बोला नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इन सब में अपन 0 मार्क कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अपना जो फिनिशिंग पॉइंट है वो क्या मार्क होगा, बोला 2। ठीक है, और जो अपना ऐसा पॉइंट है या फिर ऐसा कॉलम है जहाँ पे आप मूव नहीं कर सकते, जहाँ पे मूव करना लीगल नहीं है ऐसा मान लो, उसको क्या बोलेंगे अपन, -1। ठीक है, कोई दिक्कत, बोला नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन समझ गए कि अपने पास 4 डिनोशन दी हुई है, 1, 0, 2 और -1। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अपने को मैट्रिक्स इस फॉर्म में दी हुई होगी। अच्छा, अब अपने को ट्रैवर्स करने का अपन ने पाथ देख लिया कि एक पाथ तो ये हो सकता है, हाँ, और एक पाथ ये हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों पाथ अपन ने देख लिया। अच्छा, अब एक बात बताओ, सिंपल सिंपल सी बात है कि अपने को कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं इसके ऊपर ट्रैवर्स करते वक्त। मतलब ये सबसे पहले तो एक बात अपने को ध्यान में रखनी है, जो आप 5 बार बोल चुके हो कि ये ना सारे के सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए जहाँ पे आप मूव कर सकते हो, तो अपन ऐसे बोले सारे जीरोस कवर होनी चाहिए। हाँ, सारे जीरोस कवर होने चाहिए। ठीक है, तो सारे जीरोस कवर करने के लिए पहले तो अपने को जीरोस का काउंट करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, हाँ। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन काउंट करेंगे किसका, जीरोस का। ठीक है, काउंट राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज, है ना, हाँ। उसके बाद में फिर अपन क्या बोलेंगे, पहले स्टार्टिंग पॉइंट को अपने को देखना पड़ेगा। अच्छा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है क्या वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होगा, बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी हो सकता है, होगा एक ही, इतना श्योर है होगा एक ही, और फिनिशिंग पॉइंट भी अपना होगा एक ही, लेकिन कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं था ये यहीं पे ही हो, तो अपने को स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो अपन एस पी लिख देते हैं इसको, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ, फाइंड करना पड़ेगा अपने को, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, उसके बाद में एक तो अपन ने काउंट ढूंढ लिया, एक अपन ने स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लिया। ठीक है, मतलब काउंट कर लिया जीरोस को और स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढ लिया। उसके बाद में क्या करना है, अब सारे के सारे वेज को देखना है कि कहाँ कहाँ से पॉसिबल है। अच्छा, चार सारे के सारे वेज का मतलब क्या हुआ, 4 ही पॉसिबल डायरेक्शन है, एक तो राइट वाली, एक डाउन वाली, एक लेफ्ट वाली और एक अपसाइड वाली। ठीक है, तो बस ये चारों के चारों डायरेक्शन अपने को देखनी पड़ेंगी कि चारों में से कौन से पे जाया जा सकता है और कौन से पे नहीं जाया जा सकता। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, जैसे इसमें लेफ्ट पे और इसमें अपसाइड नहीं जा सकता क्योंकि वो मैट्रिक्स के बाहर हो गए। बिल्कुल सही बात है, तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल थे। हाँ, तो अगर यहाँ से आए तो अपन यूं जा पा रहे हैं सब पे, बहुत ही बढ़िया, और अगर यहाँ से आए तो अपन यूं जा पा रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है, हाँ ये दोनों तो क्लियर हो गए। अच्छा, एक बात और भैया, क्या कि जैसे मान लो कि अगर अपन यहाँ से चले, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यूं जाके और फिर अपन यूं चले गए तो बोले इसका कोई सेंस बनता है क्या, बोला नहीं बनता, तो फिर अपन क्यों जाएंगे। अच्छा, तो फिर इसको कैसे मेंटेन करेंगे, बोला अपने को इसका विजिटेड देखना पड़ेगा कि अपन जिस पे जा चुके हैं एक रास्ते में उस पे दोबारा ना जाएं। ठीक है, तो अपने को क्या मेंटेन करके चलना है, ऑलरेडी विजिटेड।
तो नहीं है कहीं वो, ठीक है। तो एक अपने को विजिटेड का मार्क रख के चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत बोला नहीं, ठीक है। एक अपन लाइन यहाँ पे लिखना भूल गए कि अपन ने क्या बोला था कि वो मैट्रिक्स के बाहर ना चल जाए, ठीक है। तो लीगल है या नहीं ये मार्क करके चल लेते हैं अपन, कि वहां पे जाना पॉसिबल है या नहीं, कोई दिक्कत बोला नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी से अपने को एक और बात याद आ गई है इलीगल वाली, इसको भी देखना अपना जरूरी है। तो अपन ये देख लेंगे कि -1 नहीं होना चाहिए, सही है। हाँ, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पॉइंट देख लिए, बोले एक तो सारे 0 को काउंट कर लिया और एक अपने स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया, ठीक है। फिर जब अपन ने ट्रैवल्स करना स्टार्ट किया तो अपन ने सबसे पहले तो ये देखा, बोला वहाँ पे जाना पॉसिबल है या नहीं, उसके बाद ये इसमें देखेंगे ना पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में वो इलीगल पॉइंट तो नहीं है जहाँ पे अपन मूव करने जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में वो विजिटेड पॉइंट तो नहीं है जहाँ पे अपन मूव करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ में एक और पॉइंट क्या देखेंगे कि कहीं वो अपना फिनिशिंग पॉइंट तो नहीं है, अगर फिनिशिंग पॉइंट हुआ तो उसके लिए अपने को अलग से टिकल आउट करना पड़ेगा। हाँ कि नाम बोला, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो फिनिशिंग पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। तो अपन ये सारे पॉइंट्स देखे। अच्छा, अब इनके बताओ, अगर इनके अलावा कोई भी पॉइंट हुआ, लेट जस्ट सपोज कि अपन इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये 0 भी हट गया, सॉरी। नहीं, अच्छा सपोज कि ना जैसे यहाँ पे आए अपन, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अपनी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, मतलब एक तो कि अपना अभी तक विजिटेड नहीं था ये वाला, हाँ, तो इस पे अपन बड़े आराम से आ गए। लीगल भी नहीं है, हाँ, और लीगल भी है, लीगल नहीं है मतलब -1 भी नहीं है, और लीगल मतलब ये मैट्रिक्स में भी है। तो अपन सारी कंडीशंस को फॉलो करें, ठीक है। फिनिशिंग पॉइंट भी अपना नहीं था, बहुत ही बढ़िया। अब अपन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इससे अपनी नॉर्मली कंडीशन क्या होगी, बोले नॉर्मली इसके चारों डायरेक्शन में चल के देखो कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो बोला लेफ्ट में तो जा नहीं सकते, इलीगल आ जाएगा, ठीक है। राइट में जा सकते हो, डाउन साइड जा सकते हो, अप साइड जा नहीं सकते, इलीगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबल कंडीशन हो गई। हाँ, तो अपने को हर बार क्या करनी पड़ेंगी, इसकी चारों कंडीशन चेक भी करनी पड़ेंगी। तो 4 कंडीशन चेक, सही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। बस अपने को ये कुछ पॉइंटर्स जो है वो ध्यान में रख के चलना है। कितने पॉइंटर है, बोला 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स को अपन ने ध्यान में रखा, उनका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोला है, बोला हाँ। बस अब अपने को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली ट्रैवल्स करना है। देखो यहाँ पे देखते हैं क्या किया है अपन ने। देखो ये अपना फंक्शन था, फंक्शन के अंदर अपन आए, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं है। कुछ इनिशियलाइजेशन करें, इनको छोड़ दो, ये अपने आप समझ लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, 4 का लूप स्टार्ट किया, किसके ऊपर, बोला मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। 4 का लूप स्टार्ट किया, ये कहाँ ट्रैवर्स कर रहा है, बोला एक एक कॉलम पे जाके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि अगर किसी भी ग्रिड का 1 पॉइंट आ रहा है, तो 1 पॉइंट क्या था बताओ, बोला स्टार्टिंग पॉइंट था 1, ठीक है। 1 अपना स्टार्टिंग पॉइंट था, अपन ने पहले बात कर ली थी कि 1 जहाँ पे आएगा वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अपन ने क्या बोला, बोला जो भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट है उसका जो एक्स पॉइंट है, मतलब कि एक्स सॉरी उसका जो आई है, आई क्या बता रहा है, उसकी रो, ठीक है, और जो क्या बता रहा है उसका कॉलम। तो अपन ने क्या किया, उसकी पोजीशन को एक्स और वाई में स्टोर करवा के रख लिया, ये अपन ने इनिशियलाइजेशन किया था पहले, कोई दिक्कत बोला नहीं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से क्या निकाला, बोला उसकी पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन निकाल ली। साथ ही साथ में अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हैं, 0 मतलब जहाँ जाना ट्रैवर्स करना पॉसिबल है उसको अपन काउंट करके चल रहे हैं। तो अपने ये था ही ना कि एक तो अपने को काउंट करना चल रहा है, काउंट करना पड़ेगा, और एक अपने को स्टार्टिंग पोजीशन को मेंटेन करके रखना है। तो अपन ने क्या बोला, बोला ये दोनों अपन ने कंडीशन कर ली हैं फुलफिल, कोई दिक्कत बोला नहीं। तो अपनी 5 7 थी, 7 7 हट के अब अपनी कितनी बच चुकी है, 5 5 को ध्यान में रखना, कोई दिक्कत बोला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन ने पूरी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रैवर्स किया, पूरी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रैवर्स करने के पास में अपने पास ये दोनों कंडीशन अच्छे से आ चुकी थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला अपन ने एक फंक्शन कॉल कर दिया और रिटर्न कर दिया आंसर। भैया ये आंसर क्या रिटर्न कर दिया, इसको तो आपने इनिशियलाइजेशन भी नहीं कराया था, एक्स का इनिशियलाइजेशन किया था, वाई का किया था और सी का किया था। तो अपन ने एक्स और वाई को तो किस में यूज कर लिया, पोजिशन को रखने में, स्टार्टिंग पॉइंट की, बोला बिल्कुल सही बात है। और सी को किस में रख लिया, बोला काउंट करवाने में, ठीक है, कोई दिक्कत बोला नहीं। तो आपने आंसर तो बनाया ही नहीं था, ये अपने आंसर क्या किया था, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया था, ग्लोबली क्यों डिक्लेयर किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इधर डिक्लेयर करके और फिर इसको फंक्शन में पास कर सकते हो, क्योंकि अपना आंसर वही है, आप समझ पा रहे हो आंसर में क्या कैलकुलेट हो जाएगा, बोला कितने नंबर हो, 5 हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन कोई ना कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है उस फंक्शन कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा आंसर कैलकुलेट करने में, अगर अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं किया तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑफकोर्स ये बात है वो आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। हाँ, तो इधर आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप इसमें आंसर को भेज दो, ठीक है, और या फिर क्या करो, आपने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया तो आप इसको हर जगह एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत बोला नहीं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, बस उस आंसर को अपन रिटर्न करा देंगे। तो अभी तक अपन ने सिर्फ ये 2 काम किए हैं और अपने को 5 कंडीशन रखनी है, ठीक है। हाँ, ये 5 कंडीशन अपन रख लेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, देखते हैं। अब देखो इस फंक्शन को अपने को क्या क्या मिला है, बोला एक तो ग्रिड मिल गई,
ठीक है, ये वाली ग्रिड मिल गई। हाँ, फिर एक अपना आई पॉइंट मिल गया, एक जे पॉइंट मिल गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है, और एक अपना सी पॉइंटर मिल गया। सी में क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। अब बताओ ये वाली कंडीशन क्या है, देखते साफ समझ में आ रही है। ये बता रही है कि कहीं अपन मैट्रिक्स से बाहर तो नहीं जा रहे, मतलब अपनी लीगल तो है कि नहीं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अपना आई है ना, वो कभी भी जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, जो जे है वो भी अपना जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ में जो आई है वो कभी भी अपना ग्रिड का साइज का नहीं होना चाहिए उससे बड़ा, साथ ही साथ में जे भी है ना वो भी कभी भी अपना ग्रिड का साइज या फिर उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन मिलती है तो अपन क्या करा देंगे, रिटर्न। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत, बोला नहीं, ठीक है। ये वाली थी अपनी एक कंडीशन, देखो ये वाली इलीगल वाली, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, पांच में से अब अपने क्या बची है, सिर्फ चार कंडीशन को मेंटेन करना बाकी रहा है, कोई दिक्कत, बोला नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, अगर जो अपनी ग्रिड है उसमें -1 आ जाए, ठीक है, या फिर 3 आ जाए, बोला 3 तो था ही नहीं, ये 3 कहाँ से आ गया, ठीक है, टेंशन मतलब टेंशन मतलब। अभी ऐसा मान लो कि -1 आ जाए तो अपन क्या कर देंगे, और का साइन है ना वैसे भी, तो एक भी ट्रू हो तो चलेगा, बोला हाँ, तो -1 आया तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न, कोई दिक्कत, बोला नहीं, ठीक है। अभी -1 का मतलब क्या था, ये इलीगल वाली कंडीशन आ गई, ठीक है, ये वाली इलीगल वाली है ना। तो अब अपनी टोटल कंडीशन कितनी मेंटेन करनी बची है, बोला 3, ठीक है, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब उसके बाद में क्या है, बोला ये 3, बोला ये 3 वाला फंडा भी अपन समझ लेंगे, 2 मिनट छोड़ दो। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, अगर अब अपनी जो ग्रिड है वो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुकी है, 2 पे, ठीक है, फिनिशिंग पॉइंट था ना अपना 2, हाँ, और साथ ही साथ में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपने काउंट है वो भी 0 हो चुके हैं, तो अपने आंसर में क्या करोगे, प्लस प्लस एक बार आंसर को क्या करोगे, इंक्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो ये वाली कंडीशन मेंटेन हो गई कि फिनिशिंग पॉइंट पे अपन पहुंचे या नहीं पहुंचे, बोला हाँ, फिनिशिंग पॉइंट वाली भी अपनी कंडीशन मेंटेन हो गई, ठीक है। तो अपना क्या बचा है, सिर्फ 2 कंडीशन और बची हैं, ठीक है, हाँ। उसके बाद में जैसे ये भी कंप्लीट हुई, फिर अपन ने क्या चेक किया है कि क्या अपन फाइनल पे पहुंच चुके हैं अभी तक, और अपने जो काउंटर है वो 0-0 नहीं हुआ है, मतलब जो अपना सारी वैल्यूज पे अपन ने विजिट नहीं किया और अपन लास्ट पोजिशन पे पहुंच चुके हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, अपन क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे और बोल देंगे काउंट अपन इंक्रीज, मतलब अपना जो आंसर है वो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, मतलब अपन फाइनल पे तो पहुंच पा रहे हैं लेकिन अपन ने सारे नोट्स को विजिट नहीं किया है, तो वापस जाओ, सही है, कोई दिक्कत, बोला नहीं। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि ये जो ग्रिड थी ना इसको 3 मार्क किया है। अच्छा, अब ये जो 3 है वो समझ में आ रहा है, हाँ, कि अच्छा अब ये 3 मार्क क्यों किया, बोला अपन ने क्या किया था, वो जो विजिटेड अपने को मेंटेन करके चलना था ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इतनी सारी वैल्यूज तो थी, तो अपन ने बोला एक वैल्यू अपन बना देते हैं 3 नाम की, और इसको क्या बोल देते हैं कि अगर 3 मार्क्ड है कोई भी नंबर तो वो उसका मतलब क्या है, वो विजिटेड है, मतलब अपन इस पे आ चुके हैं, साफ साफ दिख ही रहा है कि अपन इस पे आ चुके हैं, सारे ऑपरेशन ही कर चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, बोला ठीक है। तो अब अपने कितनी कंडीशन मेंटेन करनी बची है, बोला 1, सही है, हाँ, ये वाली विजिटेड वाली भी हो गई अपनी, ठीक है। अब 1 कंडीशन क्या है कि चारों कंडीशन अपने को विजिट करनी पड़ेंगी, उसके ऊपर वाली, नीचे वाली, लेफ्ट वाली और राइट वाली, ठीक है, कोई दिक्कत, बोला नहीं। तो फिर अपन ने क्या किया, ये चारों के चार ही कंडीशन के लिए इस फंक्शन को वापस कॉल कर दिया। एक बार अपन ने क्या किया कि J+1 किया, मतलब कॉलम में एक इंक्रीज किया, मतलब राइट में मूव किया, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, बोला रो में 1 इंक्रीज किया, मतलब डाउन साइड मूव किया, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, रो में एक डिक्रीज किया, मतलब ऊपर साइड मूव किया, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, कॉलम में एक डिक्रीज किया, मतलब कि लेफ्ट साइड मूव किया, कोई दिक्कत, बोला नहीं, बस हो गए अपने चारों की चारों कंडीशंस, ठीक है। तो इनिशियली क्या हुआ, जो रॉबर्ट है वो कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, बोला राइट में, डाउन में, अप साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। तो वो अपन ने चारों की चारों कंडीशन लिख दिया, अब यहाँ से आगे जहाँ जहाँ पे भी जाएगा वो रिवर्स कॉलिंग में आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेथड था वो कौन सा था, DFS, ठीक है। तो कल अपन ने कौन सा मेथड यूज किया था, बोला BFS, इसलिए अपन ने आज कौन सा किया, DFS। तो अब आपको होमवर्क क्या है, बोला आपको खुद एक बार BFS से करके देखना है, BFS से सॉल्व करके देखो, BFS से भी क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार BFS से करके देखो, और जो कोड होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करना। आई होप आपको आंसर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देखिए, सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।